हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स की क्लासेस अगर आपने प्लेलिस्ट से नहीं देखी है तो जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहां से आपके सामने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करी करी रिया वॉइस मैटर। देखो ये कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, आई डोंट नो। हुज फॉसिल हैज़ बीन रिकवर्ड नाउ वॉज अ 115 मिलियन ईयर ओल्ड स्पीसीज। तो देखिए ये बर्ड थी, रेप्टाइल थी, इंसेक्ट थी, तो या प्लांट थी। तो यहाँ से आप देख पाओगे ये क्या थी, बर्ड थी। और यहाँ से आप इसकी इमेज भी देख पाओगे, जो कि इनका जो है यहाँ से आप इमेज देख पाओगे। और ये 115 मिलियन ईयर ओल्ड वर्ड है। तो ये फॉसिल है इनका, छोटा सा वो बोलते हैं ना जो कन वगैरह मिला हुआ है, उससे डीएनए से पता करने से ये सारी चीज़ें पता चली है। तो ये साउथ अमेरिका में पाई गई है ये बर्ड। और सब बहुत 115 मिलियन बहुत साल होते हैं, मल्टीप्लाई करके आप कमेंट बॉक्स में बताना 115 मिलियन कितने साल के बराबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपको ये बताना है कि एक ड्रामा मूवी, जी हाँ एक ड्रामा फिल्म को ICFT यूनेस्को द्वारा गांधी मेडल दिया गया है, 52 एडिशन ऑफ IFFI। सबसे पहले तो IFFI का फुल फॉर्म आप लोग बताइए, सेकेंडली ये कहाँ पे अभी हाल में ही जो है इसकी ये फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित हुआ है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुंगई सेक्रेड बॉन्ड्स। लुंगई सेक्रेड बॉन्ड्स को ये जो है अवार्ड मिला है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ से आप इसकी इमेज भी देख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द इंडियन रेलवेज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज। यानी कि भारत में जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बना है। आपको बस ये बताना है कि ये किस स्टेट में बना है, जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में, लद्दाख में, या नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका राइट आंसर मणिपुर होगा, मणिपुर में ये ब्रिज बना है। मैं आपको इसकी इमेज भी दिखा देता हूँ, यहाँ से आप इस इमेज को देख पाओगे। एंड वी हैव टू प्राउड, जी हाँ हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि इतने ऊँचाइयों पर वर्ल्ड का सबसे ऊँचा पुल है ये रेलवे ब्रिज पुल, याद रखिएगा। और ये मणिपुर में बना हुआ है। इसके बारे में कुछ और डिटेल वगैरह अगर आपको करनी है तो गूगल कर लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले चांसेस हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच कंट्री लॉन्च द फ्यूचर सोल्जर मॉडरेशन प्लान रिसेंटली। तो ये यूके ने किया है, यूके का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम, जिसमें वर्ल्ड इसमें जो है तीन चार कंट्रियां शामिल होती है, वेल्स, इंग्लैंड, आयरलैंड वगैरह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं कर दूं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा एग्ज़ाम के लिए और दो तीन दिनों में अगर कुछ तैयारी करना चाहते हो कि कुछ पढ़ कर जाया जाए ताकि एग्ज़ाम में एटलीस्ट कुछ कॉन्फिडेंस लेकर जाए, तो जिस नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर के प्राइस 59 यानी कि 600 था, उसे घटा करके अब 150 कर दिया गया है, जी हाँ, ताकि आप पढ़ सको कुछ एग्ज़ाम में, कुछ लिख कर आ पाओ। तो इसे इस प्रीवियस ईयर पेपर और नोट्स को परचेस करने के लिए यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच वर्ड हैज़ बीन चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉलिन डिक्शनरी के लिए वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के लिए कौन सा वर्ड को चुना गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा NFT। और ये एलन मस्क हैं, उनकी पेंटिंग को ये बेचा गया था और उसी से ये वर्ड इजाद हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए एंटरप्रेन्योर, आप यहाँ से इसकी इमेज देख पाओगे। ये जो वर्ड है इसका फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर इज ऑब्जर्व एज द महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है B.R. अम्बेडकर, इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर थे ये, और संविधान बनाने में इनकी जो है बहुत बड़ी भूमिका थी। B.R. अम्बेडकर आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपके सामने ये रहा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली चेंज द